हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं। संगमेश, बेसिकली अब तक हमने क्या पढ़ा है? संगम मतलब क्या है, संगम का मतलब क्या है? तो संगम के बारे में देखते हैं, असेंबली टेबल। जैसे हम पढ़ रहे वगैरह, जैसे हम पढ़ रहे कहाँ से आई है, ये कोई नॉर्थ इंडियन या सेंट्रल इंडियन के कल्चर नहीं है। ये बेसिकली साउथ इंडिया के बारे में हम बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? साउथ इंडिया के। तो साउथ इंडिया में ये चीज़ें बनाई हैं, कोई ना कोई किंगडम तो रहा होगा। तो आज हमें वो साउथ के किंगडम्स के बारे में आज आज हमें उन साउथ के किंगडम्स के बारे में पढ़ना है। तो ये आ गए तमिल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द संगम पोएम्स मेंशन द टर्म मुवेंदर मुवेंदर विच इज तमिल वर्ड, विच इज तमिल वर्ड इसका मीनिंग क्या होता है? थ्री चीफ्स एंड यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिली। मुवेंदर मतलब क्या? तीन चीफ लोग, तीन मेन लोग, और जो मेनली यूज किया जाता था तीन रूलिंग फैमिलीज के बारे में बताने के लिए। यानी वो मेन लोग जो रूल कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं उस टाइम पर। तीन रूलिंग लोग कौन कौन से थे? तीन रूलिंग फैमिलीज कौन कौन सी थी? यानी तीन किंग्स के नाम बता रहे हैं उस टाइम पर जो तमिल में थी। चेरा, चोला, पांड्या। ठीक है, इन तमिल कंट्री, तमिल कंट्री ऑन द साउथ इंडिया में ड्यूरिंग द संगम एज। इन एडिशन टू दीज थ्री किंगडम्स देयर वर लोकल चिफ्टेनेंट्स। कैप्टन होता है तो चिफ्टेनेंट्स बना दिया इन्होंने, एक चिफ्टेंट्स है ना। एंड सर वहाँ पे इनके साथ साथ वहाँ पर चिफ्टेंट्स भी होते थे लोकल, है ना। सब पहली बात करते हैं चेरा किंगडम की। पहले स्टार्ट करते हैं चेरा किंगडम की। द टेरिटरी ऑफ द संगम चेराज मोस्टली कंप्राइज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ केरला। वो कह रहे हैं मेनली जो संगम इसमें जो चेराज की जो टेरिटरी थी या जो किंगडम था उनका, वो केवल कितना कितना था? केरला जैसे, जैसे आज के टाइम में जितना हमारे पास केरला है, उस टाइम पर वो क्या होता था? चेरा होता था। ठीक है, यानी पहले ये लोग केरला पर राज करते थे। द चेरा किंग्स ऑफ संगम इज वनून बाय मेनी टाइटल्स सच एज बनावर, बिलावर एंड मलेजर। तो इन किंग्स को काफी सारे नाम से जाना जाता था। बनावर, वनवर बेसिकली, बिलावर, मलेजर, है ना। देर वर टू इम्पोर्टेंट लैंड्स ऑफ चेरा किंग्स। वो कहते देर टू इम्पोर्टेंट लैंड्स ऑफ चेरा किंग्स। चेरा किंग्स की दो इम्पोर्टेंट लाइन्स थी, क्या क्या? द फर्स्ट वन उद्यान चिरालथन एंड द सेकेंड फ्रॉम बस इरमपुर है। यही दो लाइन है। अब इसका मीनिंग देखते हैं क्या है, मालूम पड़े। दो लाइन इम्पोर्टेंट थी बेसिकली इनकी। पहले क्या है? उड़िया चेरालथन, है ना। और दूसरा क्या है? इरुमपुराई, इरुमपुराई, इरुमपुराई। द किंग्स बिलोंगिंग टू दीज टू लैंड्स रूल्ड द चेरा किंगडम। जो लोग इन दो लाइनों को फॉलो करते थे बेसिकली, जो किंग्स उन्होंने चेरा किंगडम पर रूल किया। देयर कैपिटल वाज वांजी, देयर कैपिटल वाज वांजी। इनकी केरल के उस टाइम पे, यानी कि जो चेरा रूलिंग जगह थी जो भी, वहाँ की कैपिटल क्या थी? वांजी, है ना। और चीफ जो पोर्ट था बेसिकली उनका, वो क्या था? थोंडी। वो क्या था? थोंडी, है ना। वो क्या था? थोंडी। देयर सिंबल ऑन द फ्लैग वाज अ बो एंड एरो। उनका जो सिंबल था बेसिकली, उनकी जो स्टेट का, उनकी टेरिटरी का, वो क्या था? एक फ्लैग
फ्लैग पर एक बो होता था और एक एरो होता था, एक धनुष होता था और एक तीर होता था उनके एक फ्लैग पर, है ना। ठीक है, तो ये अभी तक हमने अभी तक पढ़ा है इसमें, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें अभी हाल फिलहाल। तो सही सेकंड पार्ट था 10 पेज का। अब यहाँ पर आते हैं, ये रहा सिंबल, है ना, उनका सिंबल होता है, वो कहता है एक बो था एक एरो था, ठीक है। सूर्यास्त में टाइगर है, इनके में क्रिस है, चेरन, चेरन मतलब क्या, चेरा टाइम के जो रूरल सिंधु होते हैं, नहीं एक किसी का नाम है, चेरन सेंगुटुवन वॉज द मोस्ट पॉपुलर किंग ऑफ द संगम चेरा। मगर चेरा जो पीरियड था वहाँ पर जो किंग हुआ करते थे, चेरन सेंगुटुवन जो कि मोस्ट पॉपुलर किंग रह चुके हैं उस टाइम के, ठीक है। संगम वर्ष पदरूपता नहीं पदरूपतु अहनुरु, ये क्या है बेसिकली, बुक्स वगैरह हैं, कुछ कुछ क्या है बुक्स वगैरह हैं, देखो ना वर्क्स वर्क्स ना बुक्स वगैरह, तो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट है, इन बुक्स में इनके बारे में बहुत कुछ अच्छे लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिज ब्रदर इलांगो वेदिगल कंपोज द तमिल एपिक सुलप्पदिकरम विच टेल्स अबाउट हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स, ठीक है। उनके भाई भी हैं, उनके भाई जिनका नाम क्या था, इलांगो वेदिगल, है ना, जिन्होंने एक तमिल एपिक लिखा, बेसिकली उसका नाम क्या था, सुलप्पदिकरम, है ना, जो कि क्या बताता है, जो बेसिकली क्या करता है, जो एक्सप्लेन करता है उस टाइम की या उनकी आर्मी की अचीवमेंट्स के बारे में। सेंगुटुवन लेड एन एक्सपेडिशन अप टू द हिमालय, हिमालय में अटैक करने, एक्सपेडिशन मतलब अटैक करने के लिए जाना, तो हिमालय की तरफ अटैक करने के लिए गए। क्रॉस द रिवर गंगेज डिफीटेड हिज एनिमीज, उन्होंने गंगा रिवर को क्रॉस भी किया, अपने एनिमीज को डिफीट भी किया, ही रीच्ड द हिमालय, वो हिमालय से पहुंच गए, होस्टेड द चेरा फ्लैग, और वहां पर जाके अपना फ्लैग होस्ट किया। बट इन कल्ट दैट इज द वर्शिप ऑफ कन्नगी एज द आइडियल वाइफ वॉज स्टार्टेड बाय हिम, एक वर्ड है पट्टनी कल्ट, जिसका तमिल में मीनिंग होता है कन्नगी की पूजा करना, एज दी आइडियल वाइफ, तो उन्होंने वो पूजा करना स्टार्ट कर दिया, किसने, इन्होंने सेंगुतुवन ने, ठीक है। पादरपतु एंड अदर संगम लिटरेचर गिव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ चेरा किंग्स, कसर किंग के बारे में बताया गया है, द मोस्ट पॉपुलर अमंग देम वर चेरलथन पेरुनचेरल एरुमपुराई कर्निकल एरुमपुराई, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ये हो गया चेरा किंगडम, ये तो हो गया चेरा किंगडम। अब आते हैं चोला किंगडम की तरफ, द किंगडम ऑफ दिस संगम सोलाज, द किंगडम ऑफ द संगम सोलाज कंप्राइज द पेरेंट थंजावुर एंड तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट, ये भी साउथ में कोई डिस्ट्रिक्ट होंगे, कोई शहर होंगे, यानी छोटा किंगडम था बेसिकली, और डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट तो छोटा होता है स्टेट से, तो है ना, तो बेसिकली ये किससे कंप्राइज करते थे, बेसिकली चोला किंगडम था हमारा प्रेजेंट के थंजावुर और तिरुचिरापल्ली, है ना, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर ये रूल कर, मतलब आज के टाइम पर ये जगह है जहाँ पर पहले रूल करते थे। चोला किंगडम इज रेफर टू इन द संगम लिटरेचर एज चुनाडु काबरी नाडु काबरी सूद नाडु नीर नाडु एंड पुनल नाडु, ये कुछ लिटरेचर हैं तमिल के जिसके अंदर हमें चोला किंगडम का रेफरेंस मिलता है,
दीज नेम्स इंडिकेट द रिच वाटर रिसोर्सेज ऑफ द चोला कंट्री. दीज नेम्स इंडिकेट द रिच वाटर रिसोर्सेज ऑफ द चोला कंट्री. द रिवर कावेरी दैट फ्लोड थ्रू द चोला किंगडम मेड इट सॉइल फर्टाइल. द कैपिटल ऑफ द संगम चोलाज वर उदयपुर. द सेकेंड कैपिटल वॉज कावेरी कुंपट्टिनम. ओहो कितना अच्छा छोटा नाम है. वो कह रहे जो नाम है इनके नाम ऐसे द्वार से यहाँ पे कावेरी हुआ, फिर द्वार से यहाँ पे कावेरी हुआ, फिर यहाँ पे द्वार से नीर हुआ, फिर सबका ना पानी होता है. तो वो कह रहे हैं कि ये जो नाम है ना ये इंडिकेट करते हैं कि इनके पानी के रिसोर्स बहुत ज़्यादा थे. अब एग्जाम्पल जो रिवर कावेरी थी वो बेसिकली यहीं से होकर जाती थी, वहीं से फ्लो होकर जाती थी बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से जो सॉइल थी वो फर्टाइल हो गई. उनकी जो कैपिटल थी बेसिकली चोला किंगडम वालों की, फर्स्ट कैपिटल जो थी वो थी उरैयुर, और जो सेकंड कैपिटल थी वो थी कावेरी पुमपट्टिनम, है ना, कावेरी पुमपट्टिनम. इट वॉज ऑल्सो चीफ पोर्ट, और ये उनका चीफ पोर्ट भी था. यानी कि ये दो चीज़ था, ये बेसिकली इसमें दो काम थे बेसिकली, और चीफ पोर्ट भी था ये, ठीक है. देयर सिंबल वॉज टाइगर. इनका सिंबल क्या था देखो अभी. द संगम ट्रेडिशन मेंशन्स अ नंबर ऑफ चोला किंग्स. दे हैड सरनेम्स लाइक तिल्ली वलवन सेनी चोलन. इनके सरनेम्स के बारे में बता रहे हैं क्योंकि बेसिकली सरनेम्स होते थे वो कैसे होते थे, तिल्ली वलवन सेनी चोलन, है ना. द मोस्ट पॉपुलर अमंग द संगम चोलाज वॉर कारिकलन. इनमें सबसे जो फेमस था बेसिकली वो कौन से थे, कारिकलन, है ना. द संगम ब्रिटिशर गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट कारिकलन. इवन इन हिज यंग एज ही प्रूव्ड हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ सेटिंग द डिस्प्यूट्स इन हिज किंगडम. वो कह रहा है कि संगम ब्रिटिशर में अगर देखें तो उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है. वो बताते हैं उन्होंने अपने यंग एज में, उन्होंने अपने यंग एज में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने एबिलिटी अपनी शो की है. लाइक उनके किंगडम में जो डिस्प्यूट होते थे वो अर्ली एज से उन सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते जा रहे थे. ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर. वो अच्छे वॉरियर भी थे. उन्होंने चेरा किंग को भी हराया, यानी जो उनसे पहले के जो रूलिंग चला था चेरा पीरियड, चेरा किंगडम, उनको भी हराया. एंड द पांड्या पांड्या किंग्स को भी हराया. तीन तो बेसिकली यहाँ पर वो चल रहे थे किंगडम बेसिकली में, तो इन्होंने दोनों को हराया. एंड अनदर बैटल कार्यकरण डिफीटेड अ कॉन्फेडरेसी ऑफ नाइन प्रिंस, यानी टीम ऑफ नाइन प्रिंसेस. उन्होंने नाइन प्रिंसेस की टीम को भी एक साथ हराया है. एक्सटेंडेड हिज किंगडम बियॉन्ड कांचीपुरम. उन्होंने कांचीपुरम से कांचीपुरम तक अपना किंगडम है वो एक्सटेंड कर लेता उसे भी आगे तक. कार्यक्रम हैड बिकम पॉपुलर फॉर द डेवलपमेंट एक्सपेक्टेशन इन किंगडम. ही हैड इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज कॉमर्स, ठीक है. ही हैड बिल्ड द डैम कॉल्ड कलनाई, कलनाई है ना. उन्होंने एक डैम बनाया जिसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, डैम कॉल्ड कलनाई, है ना. अक्रॉस द रिवर कावेरी. कहाँ पर है ये, कावेरी रिवर के ऊपर, है ना, कावेरी रिवर को क्रॉस करती है बेसिकली. इस वाटर वॉज यूज फॉर इरीगेशन. इसका जो डैम का जो पानी है वो किस यूज किया जाता है, इरीगेशन पर्पज के लिए. कारिकलन हैड फोर्टिफाइड द पोर्ट सिटी कावेरी पुमपट्टिनम और पुहर. ओहो एक नया नाम मिल गया आपको, कावेरी पुमपट्टिनम को स्वाट में कुछ क्या कुछ और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुहर, ठीक है. एंड मेड इट इज अ कैपिटल. फोर्टिफाइड मतलब होता है महल बनाना. फोर्टिफाइड मतलब फोर्टिफाइड मतलब क्या, फोर्टिफाइड मतलब महल बनाना. काटेबो कार्यक्रम ने कावेरी पुमपट्टिनम को अपना महल बनाया और उसको अपना कैपिटल भी बना लिया. उसको अपना क्या बना लिया, कैपिटल भी बना लिया, ठीक है. विच फ्लरिश्ड एज अ ग्रेट सेंटर फॉर ट्रेड, और जो कि एक अच्छे ट्रेड सेंटर के लिए, ट्रेड सेंटर के ना के वजह से काफ़ी फ्लरिश हुई, यानी काफ़ी ग्रोथ हुई वहाँ पर. मर्चेंट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज विजिटेड पोहर. काफ़ी लोग आते थे वहाँ पर, फॉरेनर्स भी आते थे. कार्यक्रम बहुत ग्रे बहुत जेनरस टूवर्ड्स तमिल पोइट्स एंड पैट्रनाइज देम. कार्यक्रम काफ़ी जेनरस थे उनके लिए,
और उनको पैटर्नाइज भी कर देते हैं, उनको एक अच्छा सपोर्ट भी देते थे बेसिकली। ये लास्ट किंगडम है, फिर इसके बाद क्या है इनके टॉपिक देखे ना, तो सेकंड। अच्छा, यू किंगडम के टेंस के कल्चर, टेंस के बारे में पढ़ना है। ऊपर चला जाता है। पांड्या किंगडम, द एक्सटेंट ऑफ पांड्या किंगडम ड्यूरिंग द संगम एज कंप्राइज द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मदुराई, तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम। वो कह रहा है ये जो बेसिकली जो जगह थी वो बेसिकली कंप्राइज करती थी इन चीज़ों को, यानी इनका किंगडम इन तीन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था, इन तीन डिस्ट्रिक्ट को कंबाइन करके फैला हुआ था। द पांड्या किंग्स वर नोन एज मरन, वलुद्धि और छेजिया, और छेजिया, ठीक है। दो सेकंड रुकना, मैं अर्जेंट कॉल करना है। आप जरा रीड करो जरा नीचे, आप जरा। हेलो, नहीं उठो भाई उठो। ठीक है। कैपिटल वॉज मदुरई, उनकी जो कैपिटल थी बेसिकली, इनकी पांड्या किंगडम की जो बेसिकली कैपिटल थी वो कैपिटल क्या थी, मदुरई। और उनका जो चीफ पोर्ट जो था वो क्या था, कोरकाई। वो क्या था, कोरकाई। ये आज के टाइम के नाम नहीं है, ये सारे पुराने नाम है, ये सारे के पुराने नाम है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये नाम आज भी एग्जिस्ट ना करते हो, आज भी एग्जिस्ट करते होंगे बिल्कुल, है ना। कोई पता नहीं, ये सारे तमिल के नाम है, सारे कौन से नाम है, तमिल के। जो कैपिटल थी वो क्या थी, मदुरई, और चीफ पोर्ट था उनका वो क्या था, कोरकाई। उनका जो सिंबल था वो क्या थी, फिश। पांड्यन किंगडम बुकिंग से अर्न नेम एंड फेम फॉर दिस पैट्रोनेज टू द तमिल संगम, इट कैन बी सेड दैट कैपिटल मदुरई हैड रिमेंड द कैपिटल ऑफ तमिल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। बेसिकली वो कह रहे हैं कि पांड्या किंग जो थे फेमस जो हुए थे, उनका जो नाम वगैरह जो हुआ था वो गल इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने तमिल संगम को, क्योंकि उन्होंने तमिल संगम को उसका सेम रिलीजन बेसिकली पैट्रोनाइज किया था, पैट्रोनाइज का सपोर्ट किया था बेसिकली, है ना। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जा सकता है बेसिकली, ऐसा कहा जा सकता है कि जो मदुरई है, मदुरई जो उनकी कैपिटल थी बेसिकली उस टाइम पर, वो तमिल लैंग्वेज का, तमिल लिटरेचर का एक सेंटर है, एक कैपिटल है, यानी काफ़ी मतलब वो एक ऐसी जगह रही जहाँ से तमिल लिटरेचर का, तमिल लैंग्वेज का एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट जगह रह चुकी है तमिल लिटरेचर के लिए। द संगम लिटरेचर प्रोवाइड्स, 2 मिनट को रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। द संगम लिटरेचर प्रोवाइड्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पांडे किंग्स, सम ऑफ देम हैड बिकम पॉपुलर, काफी लोग उसने पॉपुलर भी है। अब पॉपुलर कौन कौन से हैं, जैसे इसमें से एक नाम आ रहा है मुझे, कुद्दुमी, पेरुवज़थी, कैसे कैसे नाम है, अलग ही नाम है। ये थे, इन्होंने परफॉर्म मैनी सेक्रीफाइसेस टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री, उन्होंने काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस किए जस्ट अपने अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। एक और नाम उन्होंने बताया, आर्यपदा कादंथा, आर्यपदा कादंथा, अजीब नाम है, नैनुंद चेलिया, ओहो
ये फेमस पांडियन रूलर रहे हैं। ही गेव द सेंटेंस, ही गेव डेथ सेंटेंस, सेंटेंस मतलब पनिशमेंट है, सेंटेंस का मतलब क्या पनिशमेंट है ना। ही गेव डेथ सेंटेंस टू द हीरो ऑफ सिलापट्टिनम, जो वहाँ के जो हीरो थे बेसिकली उन्होंने उनको डेथ पनिशमेंट दे दी, उनको डेथ सेंटेंस दे दिया। कैसे बोलो कैसे दिए इस गा का बेसिकली हीरो था, वो भी कैसे दी थी, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक डेथ सेंटेंस। ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट रूलर वॉज थलैया लंगनाथु। ओहो कैसे कैसे नाम है, मैं तो परेशान हो गया। नेदुन छेजिया, ओहो छेजिया। ही डिफीट द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ चेरा चोला एंड अदर लोकल चेफ्टेंस एट अ प्लेस कॉल्ड थलिया नंगम। उन्होंने कैसे बेसिकली कैसे लोगों को हराया, कहाँ पर, थलिया नंगम। ठीक है, ही पेट्रोनाइज्ड द नंबर ऑफ तमिल पोएट्स इंक्लूडिंग मंगुदी मरथन मरुथानर, मरुथानर बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे तमिल पोएट्स की हेल्प भी की। ठीक है, इंक्लूडिंग एक पर्सन का नाम लिया, एक पर्सन का नाम लिया, ये पर्सन का नाम फिर आपको याद रखना ही अगर उन्होंने स्पेसिफिक लिया है। ठीक है, द पांड्या रूल पूरा हो गया। ठीक है, द पांड्या रूल सीज अलॉन्ग विद दैट ऑफ चेराज एंड चोलाज इन 3rd सेंचुरी AD। 3rd सेंचुरी में ये तीनों ही किंगडम जो थे वो सीज हो गए, सीज मतलब बंद हो जाना, तीनों किंगडम खत्म हो गए, तीनों किंगडम खत्म हो गए। सर क्या रीज़न था, कुछ नहीं दिया, क्या रीज़न था, कुछ भी नहीं दिया, बस खत्म हो गए, सिंपल से बताया है अभी तक। यहाँ तक पहले क्वेश्चन मार्क करते हैं जाते हैं ना, फिर आगे के टॉपिक उठाते हैं। मैं पढ़ाने के बाद ही करता हूँ, थोड़ा एक एक करके ढूंढूंगा तो हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। लोकल चिफ्टेंस, लोकल चिफ्टेंस अपार्ट फ्रॉम सिर्फ तमिल किंगडम नंबर ऑफ लोकल चिफ्टेंस रूल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। बेसिकली कह रहे हैं तीन तमिल किंगडम तो थे नो डाउट, लेकिन छोटी छोटी भी वहाँ पे रूलिंग जगह थी जिसको उन्होंने नाम दिया चिफ्टेंस। उन्होंने रूल किया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर तमिलनाडु में लोकल लेवल पर। देवर नोन एज वैलियर्स, देवर नोन एज वैलियर्स है ना। द संगम लिटरेचर फर्निशेस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देम, बिकॉज संगम लिटरेचर में इनके बारे में काफ़ी नॉलेज हमें मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। द मोस्ट फेमस अमंग द वैलियर्स वर, द मोस्ट फेमस जो थे वो कौन थे, सेवन पैटर्न्स या फिर उनको अभी क्या कहा जाता था, कदेलू वल्लगल, वल्लगल। तो इनके नाम क्या क्या हैं, इन साथियों के नाम पारी, ओरी, मलयन, एलिनी, पैगन, रे, नल्ली, नल्ली। द लोकल चीफटेंस हैड एक्सटेंडेड पैट्रोनेज टू द तमिल पोएट्स, ये भी तमिल पोएट्स को काफ़ी सपोर्ट करते थे। इन टर्न दिस पोएट्स हेल्ड देम फॉर द जेनरोसिटी हेल्प है ना, इसका मतलब कहते हैं में तारीफ करना बेसिकली, इसके बदले में जो पोएट्स होते थे उनकी तारीफ में उनकी जेनरोसिटी उदारता के लिए वो पोइम वगैरह भी लिखते थे। देर एक्सटेंडेड देर हेल्प टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द रूलर्स, ये लोकल चीफटेंस थे, ये रूलर्स के बीच में भी अगर डिस्प्यूट हो जाता था उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में भी हेल्प बेसिकली कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अवैयर प्लेड द रोल ऑफ अ डिप्लोमेट इन द कोर्ट ऑफ अध्यामन अनदर संगम पोइट है ना। कपिलर हैड टेकन केयर ऑफ पारीज डॉटर्स आफ्टर हिज डेथ, दिस लोकल चीफटेंस मेड जेनरस डोनेशन टू द पोइट्स बार्ड्स एंड द कंजोर्स लाइक द चेरा चोला एंड पांडे रूलर्स। द लोकल चीफटेंस ऑल्सो प्लेड द सिग्निफिकेंट रोल इन द पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल डोमेन ड्यूरिंग द संगम।
ओहो, काफी जिद्दी की बात है। फॉर एग्जाम्पल, अब भैया प्लेड द रोल, अब भैया से यहाँ पे सिटी है नहीं, बस इन थाई है ना। अब भैया कहाँ गया? अब भैया प्लेड द रोल ऑफ अ डिप्लोमेट इन द कोर्ट ऑफ, अब भैया प्लेड द रोल ऑफ अ डिप्लोमेट इन द कोर्ट ऑफ अध्यमन। ठीक है, वो कह रहे हैं सिंह अभय नाम का एक था बेसिकली, है ना, ये लोकल चिफ्टेंट, उन्होंने बेसिकली वो एक डिप्लोमेट का काम कर रहे थे। कहाँ पे डिप्लोमेट मतलब ये मैंने बोला था ना कि आपको अगर फॉरेन में कोई मैसेज भेजना है, किसी के यहाँ पे मैसेज भेजना है, मैसेंजर वाला काम बेसिकली, तो वो ये करते थे। ठीक है, और दूसरी जगह संगमपुर के कपिलर, उन्होंने पारी की डॉटर का भी ध्यान रखा उनकी डेथ के बाद। तो ऐसे काफ़ी सारे काम भी करते थे, काफ़ी सारे काम भी कर रहे थे। तो लिखा अभय ने कैसे काम किया, उन्होंने प्ले किया रोल ऑफ डिप्लोमेट इन द कोर्ट ऑफ अधियमन। अधियमन एक किंग होगा उस टाइम का, एक, ठीक है, एक दूसरा पोइट है, छोड़ो यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी जो लोकल चिप्टन्स होते थे, ये काफ़ी जेनरस होते थे, काफ़ी डोनेशन भी करते थे पोइट्स को, बार्ड्स, है ना, इन देयर कंसोर्ट्स लाइक, है ना, कंसोर्ट लाइक अ चेरा चोला एंड द पांडे रूलर्स, लोकल चिप्टन्स ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल डोमेन्स ड्यूरिंग द संगम। वो कह रहे हैं जैसे कि जो बड़े बड़े किंगडम्स होते थे, चेरा चोला पांड्या, है ना, तो इन किंगडम्स के जो रूलर्स थे जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे बेसिकली सोसाइटी में, है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट बेसिकली रोल इनका भी रहता था। उनसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते बट ऑलमोस्ट बराबर या मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट रहता था। ठीक है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम पर? द संगम नोटिसर गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द सोसाइटी इन द संगम। वो कह रहे हैं संगम नोटिसर एक ट्रू पिक्चर देते हैं हमें सोसाइटी के बारे में, संगम इसके टाइम पर होती थी। तो सोशल क्लासेस, कितने क्लासेस होते थे? तो कह रहा है द संगम लिटरेचर स्पीक्स ऑफ, द संगम लिटरेचर स्पीक्स ऑफ मेनी ट्राइब्स एंड ऑल्सो रेफर्स टू द ट्रेडिशनल कास्ट। संगम लिटरेचर में लिखा हुआ है कि पहले काफ़ी ट्राइब्स भी होती थी और आज के टाइम पर जो कास्ट है वो भी उस टाइम पर होती थी, ट्रेडिशनल कास्ट, है ना। दिस मीन्स दैट कास्ट डिवीजन एंड ट्राइबल अरेंजमेंट एग्जिस्टेड सर्वो साइड। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पर कास्ट सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम दोनों एक साथ चलता था, साइड बाई साइड, है ना। हाउएवर द डिस्टिंक्शन इन दैट तमिल संगम सोसाइटी वॉज प्राइमरीली बेस्ड अपॉन द डिवीजन बिटवीन द हाई बॉर्न एंड लो बॉर्न, डिफ्रेंशिएटिंग द ब्राह्मण्स एंड देयर पैटर्न फ्रॉम द कॉमन मैन। बेसिकली कह रहे हैं कि हम लोगों को हाई और लो मानते थे, बेसिकली ऊंचा छोटा मानते थे, ऊंचा नीचा, ब्राह्मणों को एक अलग, ब्राह्मणों को थोड़ा एक अलग समझा जाता था एज कम्पेयर टू कॉमन मैन, है ना। दो द बिगिनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम कैन बी मेड आउट विद इन द ब्राह्मण हाउस होल्ड। वो कह रहे हैं कि जो कास्ट सिस्टम की स्टार्टिंग हुई थी बेसिकली ब्राह्मणों के घर से हुई थी, द लार्जेस्ट सोसाइटी रिमेंड कास्टलेस, लेकिन मोस्टली सोसाइटी वो कास्टलेस थी, कास्टलेस मतलब के वहाँ पर कास्ट लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे, पर जो ब्राह्मण वगैरह होते थे वो अपने आप को ज़्यादा ऊँचा समझते थे और लेकिन और लोग नहीं मानते थे कास्ट वगैरह को, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं। एक बुक है तो टोल कपियम, हमने पीछे ही बुक के बारे में पढ़ा है, तो क्या इस बुक में बेसिकली लिखा हुआ है, इस बुक के अंदर बेसिकली चार मेन कास्ट के बारे में लिखा हुआ है। ब्राह्मण, किंग्स, ट्रेडर्स और फार्मर्स। ठीक है, वो बेसिकली चार कैटेगरी बनाती है, बेसिक कास्ट में नहीं, कैटेगरी बनाती है, ब्राह्मण, किंग्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, है ना, इग्नोरिंग मोस्ट ऑफ द अदर नेम्स ऑफ पीपल, और बाकी लोग इग्नोर कर दिया उन्होंने। दीज रेफरेंसेज इन दी टोल कपियम ऑब्वियसली शो इन्फ्लुएंस ऑफ द संस्कृति के सोशल आइडियल। मतलब वो कह रहे हैं कि ये नेम्स हैं ये बेसिकली बताते हैं कि संस्कृत कितना इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि संस्कृत के लोग भी ऐसे कुछ नाम रखे थे, मतलब जो जो हम वैदिक पीरियड के जो लोग थे बेसिकली, वैदिक पीरियड भी नहीं कहूँगा मैं, बेसिकली ब्राह्मण से एक अलग से कैटेगरी बना दी, ब्राह्मण की अलग से कैटेगरी बना दी। इसको मैं कैसे समझूँ आपको, थोड़ी देर में देखते हैं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ चैप्टर के साथ स्टोरी लाइन में आ जाए तो मेरे समझाना ईजी हो जाएगा। द ब्राह्मण ड्यूरिंग द संगम इज वर अ रेस्पेक्टेबल एंड लर्निड कम्युनिटी। ठीक है, ब्राह्मण की रेस्पेक्ट की जाती थी और काफ़ी लर्निड भी होते थे, होशियार भी होते थे ये। दे परफॉर्म देयर कास्ट ड्यूटीज स्क्रुपुलसली, ये अलग वर्ड है, ये मेरे लिए भी नया है, चलो इसको नोट करेंगे, अभी देखते हैं क्या है।
एक को रीड करते हैं, फिर पैर सच को नया वर्ड और मिले हमें। दिस सब द किंग ओकेजनली एज जुडिशियल ऑफिसर्स एंड ऑलवेज एज अ प्राइस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर्स दे वर अटैच्ड टू द लैंड एंड वर प्राउड ऑफ देयर कंट्री एंड देयर मदर टंग। ठीक है, इसको पर्सनली देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो सेकंड रुकना, मैं चेक करूँ मोबाइल में अपने। SCRUPUL स्क्रूपुलसली, स्क्रूपुलसली प्यूलसली है ना, स्क्रू प्यूलसली। इसका मतलब होता है राजनीति, इसका मतलब क्या होता है, नहीं नाइसली, यहाँ पे इसका मतलब नाइसली भी है। ओहो, एक नया वर्ड मिल गया नाइस कहने का। देखो इसका मीनिंग नाइसली, NICELY, नाइसली। ठीक है, तो वो कह रहे अपनी ड्यूटी काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर देते हैं, है ना। दिस सब द किंग्स ओकेजनली एज अ जुडिशियल ऑफिसर एंड ऑलवेज एज अ प्राइस्ट एंड एक्सप्लोजर। वो किंग की काफ़ी तरह से सर्विस दे देते हैं, यानी किंग की काफ़ी तरह से सेवा कर देते हैं। कभी कभी जुडिशियल ऑफिसर बन के और एक पंडित और एस्ट्रोलॉजर बनकर, तो हमेशा देव अटैच टू द लैंड, वो पार्ट ऑफ देयर कंट्री, वो अपने लैंड से जुड़े हुए थे, यानी अपनी जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे कभी भी, और अपने कंट्री पर अपनी मदर टंग को प्राउड करते थे। इट सीम्स दैट ट्रेड वॉज कॉमन टू बोथ द वेसल्स एंड वेलर्स। ओके, द वेसल्स में वेलर्स के बीच में ट्रेड कॉमन था। द वेसल्स वर असाइंड द ड्यूटीज ऑफ लर्निंग, परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस, मेकिंग गिफ्ट्स, एग्रीकल्चर, प्रोटेक्शन, काउज एंड ट्रेड, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ काउज एंड ट्रेड। तो बेसिकली ड्यूटीज आपको याद रखनी पड़ेंगी कि क्या क्या बताई गई हैं। वेलर्स वर लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स हु कल्टिवेटेड द वेट लैंड्स ड्यूरिंग द संगम एज। दे हैड क्लोज एसोसिएशन एंड हेल्ड हाई पोजिशन ऑफ द ऑफिस विद थ्री मेन डायनेस्टीज, चेरास, चोलास एंड पांड्यास। दे ऑल्सो कैरिड आउट ट्रेड, सो द टू कम्युनिटीज वर नोन बाय प्रोफेशन इन विच दे वर एंगेज्ड। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इजी दी लैंग्वेज देखिए, कुछ समझाना नहीं यहाँ पे। द ऑर्डिनरी फ्लोमैन वर नोन एज उजवर एंड द लैंडलेस लेबरर्स वर नोन एज कदासियर एंड अधिमई, अधिमई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। द मोस्ट रेलिवेंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द एंथोलॉजिस्ट एंथोलॉजिस्ट इज देयर कॉन्सेप्ट ऑफ तिन्नी। दो सेकंड को जरा पढ़ो, 2 मिनट, क्या लिखा हुआ है ये। मुझे भरोसा नहीं था, चलो ठीक है। द मोर सुबह सुबह काफी नींद आती है, रात में भी नींद नींद आ जाती है। हाँ सर, आप सुबह सुबह क्यों पढ़ाते हो, सुबह सुबह टाइम मिलता है। द मोस्ट रेलिवेंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, अगर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे रेलिवेंट, एलिमेंट मतलब इम्पोर्टेंट आपको पता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट अगर सोशियो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट अगर हम देखें ऑफ द एंथोलॉजिस्ट, तो वो क्या, इज देयर कॉन्सेप्ट ऑफ तिन्नई, इज देयर कॉन्सेप्ट ऑफ तिन्नई, उनका तिन्नई वाला कॉन्सेप्ट, तिन्नई सर क्या है, ये तमिल का कॉन्सेप्ट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस सब वो क्या कॉन्सेप्ट है बता रहे हैं, ये कैसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग द लैंड वाज डिवाइडेड, जिसके अकॉर्डिंग हम लैंड को डिवाइड करते थे। द होल एरिया कंसिस्टेड ऑफ 5 तिन्नई डिविजन, 5 डिविजन उसके करते थे। हिली एरियाज, हिली बैकवुड्स है ना, जिसको प्रिंजी बोलते हैं, पास्टोरल जोन जिसको पलाई बोलते हैं, पास्टोरल ट्रैक्ट इसको मुलाई बोलते हैं, वेट लैंड इसको मरुतम बोलते हैं, एंड लिटोरल लैंड इसको नीतल बोलते हैं। ओहो, ये इन द कॉन्सेप्ट ऑफ तिन्नई। अरे यार कौन है ना, जिसमें हम क्या करते थे, लैंड को डिवाइड करते थे इन टू 5 तिन्नई, है ना, 5 डिविजन।
कौन से पहला है? पहला है आपका हेली बैकवर्ड्स, पास्ट विलियम्स पलाई, पास्टोरल क्रैक्ट मुलई, मुलई बेसिकली, वेटलैंड मरुतम, लिटोवरलैंड नेपल है। The poems in the anthology describe the mode of human adaptation in East Sinai and the various social groups there. वो क्या कह रहे हैं कि हमारे जो पोइम्स हैं ना एंथोलॉजीज में जो लिखी नहीं है वो बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं कैसे कैसे लोगों ने इनको अडॉप्ट किया, अपने आप को अडेप्ट किया ऐसे माहौल में, ठीक है, हर तरह के डिवीजन में, हर तरह के लैंड में कैसे डिस्क्राइब किया, एंड द वेरियस ग्रुप्स एंड द वेरियस सोशल ग्रुप्स देयर है ना। फिर कहते हैं इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज हिली एरियाज वर हंटर्स एंड गैदरर्स, जो हिली एरियाज पर रहने लगे उन्होंने हंटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, ठीक है। नहीं जब पास दूँ तो ये याद रखना पड़ेगा, मार्क नहीं कर रहा सारे, एक दो दो लाइन के इसमें क्या मार्क कराऊंगा, इंपॉर्टेंट लिखनी है ना। चार हुए तो एक और होना चाहिए, फिफ्थ होना चाहिए, 11 फिफ्थ है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दी पास्ट जोन, जो पास्ट जोन में रहते थे बेसिकली वहाँ के इनहेबिटेंट्स क्या करते थे, लिव्ड बाय प्लंडर एंड कैटल लिफ्टिंग, वो प्लंडरिंग करते थे और कैटल को लिफ्टिंग वाला काम करते थे। इन पास्टोरल ट्रैक्ट द इनहेबिटेंट सब्सिस्टेड ऑन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर को शिफ्ट करते किया किसी तरह, एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी बेसिकली एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का इनकम था। वेट लैंड वाली जगह पर जो इनहेबिटेंट्स थे वो क्या करते थे, प्लो एग्रीकल्चरिंग, वो प्लो प्लगिंग वाली एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। उनमें डिफरेंस होता है, दोनों एक दूसरे डिफरेंस होता है, ठीक है, आप गूगल कर सकते हो, बेसिकली आपके चैप्टर में बताया नहीं गया है। एंड फाइनली द लिटोरल लैंड वॉज इनहेबिटेड बाई दोज डिपेंडेंट ऑन फिशिंग, ये वाले लोग फिशिंग कर रहे थे और समुद्र की तरफ रहते थे तो फिर सॉल्ट भी निकालते थे वहाँ पर, ठीक है, ओशन में से। बिसाइड द अबव मेंशन सोशल ग्रुप देयर आर रेफरेंस टू सम फुल टाइम क्राफ्ट्समैन सच एज गोल्डस्मिथ ब्लैकस्मिथ एंड पोटर्स, वो कह रहे हैं इन पॉइंट्स में केवल ऐसे नहीं कि लोगों के अंदर पता चलता हूँ, काफ़ी सारे लोग और भी हैं जो फुल टाइम मेहनत कर रहे थे, गोल्ड स्मिथ हुए, ब्लैक स्मिथ हुए, पॉटर्स हुए, ये भी हैं, ठीक है। फूड एंड ड्रेस, उस टाइम के लोग खाना कैसा खाते थे, उनका पहनावा कैसा होता था, ग्रेन मीट एंड फिश फॉर्म द चीफ आर्टिकल्स ऑफ द ऑफ फूड है ना, बेसिकली वो फूड की बात कर रहे हैं तो फूड आइटम्स में उनको क्या क्या होता था, ग्रीन्स होते थे, मीट होता था, फिश फिश होती थी बेसिकली है ना, जो उनके मेन आर्टिकल्स होते थे। फिर वेजिटेबल्स होते थे सेकेंड, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स भी होते थे, लेकिन मेन वो चीज़ होते थे ऊपर के थे। ग्रेन वॉज हस्क इन हॉलोज, ग्रेन को पहले हस्क किया जाता था एंड मीट इन ग्राउंड, फिर उसको ग्राउंड किया जाता था, ग्राउंड मतलब होता है चूरा करना, चूरा चूरा करना, पाउडर कर देना, पाउडर बनाना बेसिकली है ना, एंड कन्वर्टेड इंटू फ्लेक्स, उनको फिर फ्लेक्स बना दिया जाता था एक अवल की तरह, बोले है अपम या फिर अपूपा बिस्कुट, उसको हम राइस केक बोलते हैं। सो कह रहे हैं राइस केक सोक्ड इन मिल्क वाज अ लग्जरी, ओहो ये लग्जरी आइटम था बिस्कुट के लिए। द कुक्ड फिश विद पाइपिंग हॉट करी वॉज इक्वली वैल्यूड, और जो कुक्ड फिश होती थी बेसिकली विद पाइपिंग हॉट करी उसको भी हम एक लग्जरी आइटम मानते थे। तो लग्जरी आइटम की भाई बात करो, सुनो जरा पूछ सकते हैं आपसे लग्जरी खाना उस टाइम का क्या था, तो एक राइस केक था और एक कुक्ड फिश थी। क्लोथिंग कंप्राइज टू पीसेस ऑफ क्लोथिंग, मतलब दो चीज़ आपको पहननी होती थी बेसिकली, वुमेन हैड स्टार्ट यूज्ड कॉर्सेट्स एंड हेयर पेस्ट, ये दो चीज़ें पहनती थी, कॉर्सेट्स एंड हेयर पेस्ट, आप सर्च करें ना कैसी होती है ना। ऑर्नामेंट्स वर बॉर्न बाय बोथ सेक्सेस, यानी कि लड़के लड़के दोनों ज्वेलरी पहनती थी। द चिल्ड्रन वोर आ नेकलेस ऑफ टाइगर टीथ, ओहो जो बच्चे होते थे वो टाइगर के दांत, वो दांतों के नेकलेस पहनते थे। आपने देखे भी होंगे काफ़ी सारे टीवी वगैरह में कि जो उनके नेकलेस होते हैं उसमें दांत लगे होते हैं है ना, तो वो टाइगर के दांतों के नेकलेस पहना करते थे। एंटरटेनमेंट, उस टाइम के लोग मस्ती वगैरह कैसे करते हैं, द संगम इज पीपल मेड यूज ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग देयर लेजर टाइम, और अपने फालतू टाइम में काफ़ी तरह से मतलब काफ़ी सारे मोड्स थे जिससे अपना एंटरटेनमेंट करते थे। क्या कहते हैं, पहला म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस फील्ड अ गुड पार्ट ऑफ द स्पेयर टाइम ऑफ मैन एंड वुमेन, एक तो पहले म्यूजिक डांस हो गया, ठीक है। इन द विलेजेस कॉक फाइटिंग एंड गॉड फाइटिंग वर पॉपुलर, यानी मुर्गों में लड़ाई करा दो, बकरियों में लड़ाई करा दो, ये भी ठीक है।
गैम्बलिंग वॉज प्रैक्टिस बैडली, जुआ खेलना, रेसलिंग वॉज अ कॉमन फॉर यूथ, एंजॉयड बाय द यूथ दो एट टाइम्स इट लेड टू डेथ ऑफ वन ऑफ द कंटेस्टेंट। मतलब रेसलिंग इतने खतरनाक खेलते थे, कभी कभी किसी की डेथ हो जाती थी, और बच्चे और भी तरह के गेम्स खेला करते थे। पोजिशन ऑफ वुमेन, पोजिशन ऑफ वीमेन, पोजिशन ऑफ वीमेन, द स्टेटस ऑफ वीमेन इन संग ऑफ सोसाइटी वॉज नॉट इक्वल टू डेट ऑफ मैन। रिपोर्ट हो रहा है स्टेटस ऑफ वुमेन का संगम सोसाइटी में वो आदमियों के बराबर नहीं था, वुमेन के बराबर नहीं था। संगम सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुमेन, अलग अलग तरह के वुमेन का उन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया। देयर आर मैरिड वुमेन हु हैड सेटल्ड डाउन एज ब्यूटीफुल हाउसवाइफ्स लुकिंग आफ्टर देयर हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन। देयर आर फीमेल एसेटिक्स यानी साधु वाली लड़कियाँ बिलोंगिंग टू बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन लाइक कौंती, अदिगल एंड मनमेघलई, यानी ये जैन बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन है जो कि साउथ वाले लोग भी फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने उसका थोड़ा चेंज कर दिया। There were a large number of courtesans. However, women enjoyed freedom of movement in society. उनको freedom से move करने की society में कहीं भी कैसे भी। And the number of women were of the, it is a proof that the women were provided with a good education. और क्योंकि बहुत सारी हमें ladies भी poet मिलती हैं, ठीक है, तो उसे पता चलता है कि उनकी उनको काफ़ी सारी अच्छी knowledge होती थी, है ना। गब्बर से जब करना की कोई आइडियल बाय अपट्टे नहीं was perhaps a very early institution and was an extension of the worship of the goddess of chastity. मतलब माना जाता है कि कन्या की पूजा करने से स्टार्टिंग थी, फिर से क्या था, स्टार्टिंग था और एक एक्सटेंशन था देवियों की पूजा करने का, गॉडेस है ना, और चेस्टिटी मतलब साधारण एक ऑर्डिनरीनेस है ना। बट दिस सीम्स टू हैव बिकम पॉपुलर विद सेना गुप्त वंश वर्शिप ऑफ कन्या की। बेसिकली ये पेपर किसके से हुआ था उस टाइम के लिए रूलर ने क्या था बेसिकली, है ना, सेना गुप्त वंश ने। एंड डिस्पेयर टू डिस्टेंट प्लेसेस लाइक श्रीलंका, ये काफ़ी जगह पर फैली श्रीलंका में, एंड मालवा, इन जगहों पर ये फैली। मैरिज, देयर इज अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज विद संगमित, शादियों के बारे में थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन है। लेटर वर्क्स लाइक ट्वेल्व कपलमेंट काला बियर से दैट द आर्यंस इंट्रोड्यूस द रिचुअल्स एंड सेरेमनीज ऑफ मैरिज। उनकी बुक्स में लिखा हुआ है, तमिल वाले लोगों की बुक्स में भी लिखा हुआ है कि आर्यन से जिन्होंने ये सिस्टम बेसिकली इंट्रोड्यूस किया, है ना। दीज वर्क्स आल्सो मेंशन द स्पॉन्टेनियस कमिंग टुगेदर ऑफ द सेक्रेट एंड दोनों जेंडर की बात कर रहा है। दे डिस्टिंग्विश सेक्रेट मैरिज ऑफ सीक्रेट मैसेज फ्रॉम द ओपन अलायंस कॉन्ट्रैक्टेड विद द कंटेंट कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। बेसिकली डिस्टेंस कर देते हैं किसी में, एक सीक्रेट मैरिज में और एक ओपन मैरिज में। यानी एक सीक्रेट मैरिज लोग छुपके शादी कर लेते हैं, अकेले शादी कर लेते हैं, भागते हैं ना, और एक ओपन सबकी इच्छा से तो दोनों को डिस्टेंस कर देते हैं। यानी इस टाइम पर एक शादी होती थी भाग कर, है ना, तभी तो ये वर्ड आया है। रेफर टू द एट फॉर्म्स ऑफ मैरिज, ओहो आठ फॉर्म्स होती हैं शादियों की, उनके अकॉर्डिंग नोट टू द संस्कृत धर्मशास्त्र, ओहो जो संस्कृत धर्मशास्त्र में लिखी हुई है, पता नहीं कैसी, तो कुछ नई चीज थी। सो ग्रेट इनजेन्युइटी इन फिटिंग देम इनटू फ्रेमवर्क ऑफ तमिल स्कीम, जो कि तमिल वालों के फ्रेमवर्क में आने के लिए थोड़ा कैसा था, इनजेन्युइन, वो फिट हो नहीं सकता था बेसिकली, तो तमिल लोग फॉलो नहीं कर सकते थे बेसिकली, ठीक है। इकोनॉमी कहाँ गया, ये था इकोनॉमी, उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, बेसिक तमिल वालों की बात कर रहे हैं पूरे इंडिया के। इकॉनमी ड्यूरिंग द संगम इज वॉज सिंपल एंड सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, एक साधारण थी और एक सेल्फ सफिशिएंट, अपने लिए काफ़ी थी उस टाइम पर, जो जैसे भी था काफ़ी था। द पीपल वर इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, हार्ड वर्किंग, लिखलेना कहीं थे, एंड दे बिलीव्ड इन लिविंग वेल बाय अर्निंग वेल्थ, और वो भरोसा करे थे कि वेल्थ को कमाएं और लिव करें। द संगम ब्रिटिश पॉइंट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द वेल्दी एंड द पुअर पीपल इन द सोसाइटी। संगम ब्रिटिश से पता चलता है कि उस टाइम पर वेल्दी और पुअर दोनों तरह के लोग होते थे। द वेल्दी पीपल इंक्लूड द किंग्स एंड दोज हु सराउंड देम, वेल्दी लोग कौन होते थे, किंग, और किंग के आसपास के लोग वेल्दी होते थे। और द पुअर पीपल वर आइदर द फार्मर के द लेबरर्स और द वैंडरिंग मिनिस्टर्स, ये लोग पुअर होते थे। वेल्दी में कौन कौन से आ गए, किंग और सराउंडिंग, अब पुअर में कौन कौन आ गए, फार्मर्स आ गए, लेबरर्स आ गए,
और जो घूमते रहने वाले जो मिनिस्टर्स होते थे, बेसिकली वो मिनिस्टर्स जो होते थे वो द डिवीजन ऑफ सोशल ग्रुप इनटू द रिच एंड द पुअर वाज एक्सेप्टेड एज नेचुरल एज पॉवर्टी वाज कंसीडर्ड द रिजल्ट ऑफ द पास्ट एक्शन ऑफ मैन। बेसिकली हम रिच और पुअर में कोई मतभेद नहीं करते थे, दोनों को एक्सेप्ट कर देते थे, किसी को बुरा भला नहीं मानते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था, ऐसा लोगों की बिलीफ था कि अगर आप पुअर हो तो पास्ट एक्शन की वजह से हो, अगर आप पुअर हो तो आपके कर्म है जिसकी वजह से पुअर हो, अदरवाइज आप मेहनत करते फिर तो पुअर नहीं होते, यही तक करते आते हैं ना। होमवर्क नोट करो जरा, होमवर्क बहुत मिलना चाहिए यहाँ पर। आज फोरकास्ट फोर डिविजन वेलर्स मेन क्रॉप्स वन सेंटर ऑफ कॉटन ट्रेड, कॉटन ट्रेड का अभी तक हमें नहीं पढ़ा है। मैंने टू पोर्ट्स, पोर्ट्स आप लिख सकते हो, हमने दो या तीन चार पढ़े हैं, तीनों डायनेस्टी में हमने एक एक पढ़ाई है, तो तीन तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो आप लिखते हैं आपको। ये पहला वाला तीनों पार्ट्स हो जाएंगे पढ़ने का ट्राई करना, ठीक है। बाकी आपने जो क्वेश्चन वगैरह आपने मुझे सेंड किए हैं वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। और इससे आपने ऑफकोर्स मेरे को बताया था कि आपको काफ़ी चीज़ें कटे हैं, पढ़ेंगे हम सारा, ठीक है, क्योंकि बाद में टीचर बोल देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, पढ़ेंगे हम सारा। हाँ, बस उसकी नोटिंग हम नहीं करेंगे और उसे क्वेश्चन आंसर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, करने फिर भी हैं लेकिन ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे, उनको याद करने की कोशिश मत करें, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा सारा, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन और आपके जो क्वेश्चन आंसर वाले डाउट्स हैं वो मैं ले लूँगा, कल ले लूँगा, ठीक है। सोसाइटी एक स्टूडेंट संघ में यहाँ का कम्युनिकेशन है जो पुलिस में वुमेन हो जाएगा, उस डिग्री सब कम्युनिकेट हो जाएगा वर्क विद लिविंग, ठीक है, ये भी हो जाएगा, सेकंड वाला भी हो जाएगा। बेस्ट रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द संघ में यहाँ का कॉलेज, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन लिख सकते हो आप, एक्शन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट रेट नहीं लिख सकते हो अभी, एक्शन एक्शन ये छोड़ो, थर्ड वाला छोड़ दो, है ना, बस यही है आपका, ठीक है।